वीरेंद्र सिंह कादियान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संज्ञान 2014 में रेवाड़ी के अंदर पूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उस रैली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी, जिससे पूर्व सैनिक, उन्होंने पूरी जोर जान लगा के उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने के लिए का काम किया। अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद वन रैंक वन पेंशन, जो काफ़ी लंबे समय से डिमांड पेंडिंग थी, उसको नाम मात्र के लिए लागू कर दिया गया। पूर्व सैनिक जो अपनी पूरी जवानी देश की सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए, अपने बीवी बच्चों से, परिवार से, समाज से दूर रहते हुए देश की रक्षा करते हैं, चाहे सर्दी गर्मी बारिश कोई भी मौसम हो, उन सैनिकों को नाम मात्र की ORP देके बैला फुसला दिया गया। लेकिन सैनिक दिल का इतना अच्छा है, वो उसमें भी मान गया, उनसे वादा किया गया था। अध्यक्ष महोदय, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट उनको 2019 में दे दिया जाएगा, लेकिन 2019 में उनको नहीं दिया गया और ORP के चक्कर में सारे पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश पारित किया कि भी इनको जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट जो आपने वादा किया था ORP को दिया जाए, वो सही रूप में दिया जाए, जो हाईएस्ट लेवल फिक्स है उनको दिया जाए, उसमें दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज लगभग 10 फरवरी से पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हुए जंतर मंतर पर, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मांग आपने वादा किया था उसको पूरा कर दो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से पालन कर दो, और जो हाईएस्ट स्लैब है उस पर्टिकुलर रैंक का, उसके आधार पर हमें ORP दे दो, ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, आपने हमसे वादा किया था। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि 1.5 महीने से भी ज़्यादा पूर्व सैनिक वहाँ बैठे हुए जंतर मंत्र पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई उनके वो नहीं पूछ रहा, नहीं मीडिया मारा और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि उनकी आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुँचाएं, ताकि केंद्र सरकार इस बात का संज्ञान ले, हो सकता है उनके वहाँ तक ना पहुँचे बात, उसका संज्ञान लेकर उनको और ORP का वन रैंक वन पेंशन का पूर्ण रूप से भुगतान करें और उनकी मांगों को माने, क्योंकि पूर्व सैनिक जो किसी जमाने में सैनिक रहे और अपनी जवानी दिए देश की सरहदों की रक्षा करते समय, उनको अनदेखा न करें। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़कर आपसे ये कहूंगा कि एक बार पूर्व सैनिकों की मांग को केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।